हेलो एवरीवन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका यूपीएससी आईक्यू के इस चैनल पर आज के इस सेशन में मैं एक बहुत ही गंभीर बात करने वाला हूं मैं बात करने वाला हूं जैसा कि आप जानते हैं 300 प्लस की हमारी सीरीज़ हमने रन करी और पिछले एक महीनों से स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हुए मुझे स्टूडेंट्स की सॉल्विंग पैटर्न और नेचर पता चला कि वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस दौरान मेरे बहुत सारे अनुभव हुए और उन अनुभवों के आधार पर मैं आपके लिए कुछ पांच ऐसे सबसे बड़े मिस्टेक्स लेकर के आया हूं जो कि स्टूडेंट्स आमतौर पर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए करते हैं इन सभी मिस्टेक्स को तो मैं बताऊंगा ही साथ में इसके सोल्यूशन भी दूंगा और अंत में आपको एक बोनस टिप भी दे करके जाऊंगा जो कि आपके लिए ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी शुरू करते हैं आज के सेशन को सबसे सब पहली जो मिस्टेक जिसको कि मैंने मार्क करी ड्यूरिंग ऑल दिस कोर्स ऑफ इंटरेक्शन ड्यूरिंग विथ स्टूडेंट्स वो ये थी कि अक्सर स्टूडेंट्स ज्योग्राफी की टर्मोलॉजीज़ को समझ नहीं पाते हैं या उसको समझते हैं पर क्वेश्चंस में वो किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं कई सारे टर्मोलॉजीज़ जैसे कि रिलीफ हुआ डेल्टा हुआ प्लेटू हुआ आइसोथर्म हुआ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आए स्टूडेंट्स को जब मैंने सॉल्व करते हुए देखा तो ये पाया कि वो अक्सर इस टर्मोलॉजीज़ को मिस्टेकनली कुछ और समझ लेते हैं और उसकी बेसिस पर वो अपने आंसर्स को पुट करते हैं जिसका नतीजा ये होता है कि अक्सर आंसर्स गलत हो जाते हैं आपको इन टर्मोलॉजीज को जरूर पहले समझ लेना चाहिए और अगर कोई कभी टर्मोलॉजीज आपके सामने ऐसी आए तो उसे एक बार जरूर गूगल सर्च कर लेना चाहिए यह मेरा अनुभव है कि अगर आप रिपीटेडली ऐसा थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इस तरह की टर्मोलॉजीज की उलझनों से भी मदद मिलेगी और आपके स्कोर भी इंप्रूव होंगे एमसीक्यूज़ में दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि माइंड मैप और डायग्राम्स को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करना जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मैप्स को या मैप से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड जो डायग्राम है टॉपिक से रिलेटेड जो डायग्राम है उन सारी चीज़ों को स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं उसको वो विजुलाइज नहीं कर पाते हैं और क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत ही ज़्यादा विजुअल सब्जेक्ट है यानी उसमें डायग्राम उसमें बहुत सारी विजुअल्स जो स्कीमेटिक्स होते हैं स्कीमेटिक डायग्राम्स होते हैं वो सारे अप्लाई होते हैं इस्तेमाल होते हैं तो जब भी कभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मेक श्योर sure करें कि आपके पास एक फेयर अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द मैप अबाउट द डायग्राम्स विच आर गिवेन इन द टेक्स्ट बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स ये सारी ही चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी कि आप जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके लिए रेफरेंस भी ले पाएंगे क्योंकि ज्योग्राफी आमतौर पे या तो जो बनावट हो चुकी है यानी कि जो लैंडस्केप या जो या जो रिलीफ बन चुका है उसके बारे में अध्ययन है या फिर वो कैसा बनने वाला है इसके बारे में अध्ययन है और निश्चित तौर पर इन दोनों ही सिचुएशन में धरती पर इसके कोई ना कोई एग्जाम्पल्स मौजूद होते हैं वो एग्ज़ाम्पल्स आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे कि किस तरीके से ये जो फेनमुना है वो हुई और किस तरीके से इस तरह का लैंडफॉर्म भी फॉर्म हुआ तो मैप और डायग्राम इन दोनों ही चीजों को बहुत ही ज्यादा गंभीरतापूर्वक लें एंड मेक श्योर sure कि आप जब भी कोई टॉपिक या अफ्रीका का या अमेरिका का या जहां कहीं का भी टॉपिक आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस मैप को आपके दिमाग में एक पिक्चर एक फेयर एनफ पिक्चर आपकी जरूर बननी चाहिए होनी चाहिए द नेक्स्ट मिस्टेक्स आर मिसरीडिंग ऑफ क्वेश्चन यानी कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा कि क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा मिस रीड करते हैं रिवोल्यूशन और रोटेशन एक ही साथ एक ही जगह पर लिखा हुआ है अलग अलग ऑप्शन में और वो उन्होंने रिवोल्यूशन और रोटेशन को मार्क uh, कर दिया या फिर uh, उन्होंने नॉट को नोटिस uh, नहीं किया नॉट देखा और फिर उसके बाद कुछ ऐसे निगेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि दिखते नॉट जैसे नहीं है बट दे रेफर टू नॉट जैसे कि लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लेस ऑफ समथिंग तो इसका मतलब क्या है वो बेसिकली निगेटिव की तरफ ले जा रहा है वाटर रिटेंशन के निगेटिव पैटर्न की तरफ ले जा रहा है तो ये भी एक बड़ा पैटर्न था जो मैंने ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 300 प्लस सीरीज कि uh, बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं रीड क्वेश्चन केयरफुल नहीं करते हैं स्टूडेंट्स और अंडरलाइन नहीं करते हैं उन कीवर्ड्स को जब आप ऑफलाइन में टेस्ट दे रहे हो तब उन सारे कीवर्ड्स को जैसे कि नॉट हुआ वाटर रिटेंशन हुआ या कोई दूसरा टर्म हुआ उसको अंडरलाइन कर नहीं करते हैं और एक और सजेशन यहां पे मैं देना चाहूंगा कि आपको अपने क्वेश्चंस को कई सारे छोटे छोटे चंक्स में तोड़ करके समझना चाहिए बिगर सेंटेंसेस uh, को बड़े सेंटेंसेस को कई बार छोटे छोटे सेंटेंसेस में ब्रेक करके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए रीड करना चाहिए सो so दैट कि आप सही आंसर दे सकें द नेक्स्ट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ एम एम एमसीक्यू सॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स वो ये था कि वो करंट अफेयर्स को बहुत ही ज्यादा निगलेक्ट कर देते हैं ज्योग्राफी एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है अक्सर आप हरिकेन तूफान इस तरह की घटनाओं को सुनते देखते हैं अर्थक्वेक्स की भी घटनाएं लगातार होती रहती हैं इसके अलावा जो बायो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट और बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का जो, जो पोर्शन है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि पवन चक्कियाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में किस स्टेट में है या इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दिया हो एंड आस्किंग यू टू वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल करेक्ट और इनकरेक्ट तो इस तरह के क्वेश्चन में भी एक बड़ा जो होता है वो तो sure करंट अफेयरपोरेट करते हुए जैसे कि आमतौर पर किसी भी ज्यादा परिचित नहीं है बच्चा यदि उसको मैं कहूं राजस्थान में बड़ा रेगिस्तान है वहां पर सूर्य की जो इंसुलेशन है, है वह काफी ज्यादा होती है तो वहाँ पे बच्चे को ये इमेजिनेशन uh, होगा कि हाँ अगर वहाँ पे ये चीज़ें हैं तो फिर वहीं पर हमारी जो सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी वो भी सबसे ज़्यादा होगी या कम से कम सोलर सोलर प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी बट द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट बिकॉज जो सोलर इंस्टॉलेशन और सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ के साथ परचेजिंग पावर पे भी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है साथ के साथ डिजर्ट इलाकों में जो पॉपुलेशन की जो स्ट्रेंथ है डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है तो ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आप करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके जो स्टैटिक जोग्राफी की नॉलेज है उसको और उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर पाएंगे साथ के साथ जोग्राफ़ी का जो करंट अफेयर्स है, वो भी आपका रेडी हो जाएगा तो आप करंट अफेयर्स के साथ ही ज्योग्राफी को पढ़ें कभी भी उसके साथ डिटैच करके ना चलें कि हाँ मैंने करंट अफेयर्स को अलग से कि, किसी वन लाइनर बुक से कर लिया एंड uh, मैंने बेसिक्स भी कंप्लीट नहीं किए ज्योग्राफी के या फिर मैंने करंट अफेयर्स ही कर लिया और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो हमने नहीं पढ़ी ये सारी चीज़ें आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए तो मेक श्योर sure कि आप करंट अफेयर्स में जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं उनको उनसे आप अपडेटेड रहें एज़ वेल एज़ जो मैंने ज्योग्राफी बायो जोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का पोर्शन बताया उन सारी चीज़ों में क्या डेवलपमेंट हो रही है उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहें क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात करते हैं एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं कि कई बार बच्चे जो कि ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते हैं मैं उनको महसूस करता हूं कि वो एनफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके नहीं आए होते हैं कई बार ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं किए होने की वजह से हाउ टू अप्लाई द किस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ होना है वो चीज नहीं समझ पाते हैं बिकॉज ये uh, कई सारी जगहों पर जोग्राफी डिमांड करता है कि आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है बट वेदर यू एबल टू अप्लाई इट क्या आप इसको क्वेश्चन में फिट कर सकते हैं क्या आप उससे आंसर डिड्यूस कर सकते हैं ये सारी बातें क्वेश्चन uh, डिमांड करता है तो एक जो वाला पार्ट है वो आपका तभी रिफाइन होता है जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं दूसरी एक और बात यूपीएससी का पेपर नहीं आता है यूपीएससी का पेपर आमतौर पे थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में आता है जो कि थोड़ी सी आपको पढ़ने में समझने में उसको कॉम्प्रिहेंड करने में फ लग सकती है तो आपको उसके इंटरप्रिटेशन के लिए भी कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा कई सारे क्वेश्चंस और स्टेटमेंट को डिकोड करना होगा तब आप समझ पाएंगे कि जो असली मीनिंग uh, है इनसाइड द क्वेश्चन और स्टेटमेंट वो क्या है तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एज वेल एज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन ये दोनों ही बातें आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा जितने ज्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का कर सकें आप उतने ज्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए और अब मैं चलते चलते आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूंगा जो कि हमारा छठा एरर है या प्रॉब्लम है जो कि आमतौर पर स्टूडेंट फेस करते हैं और वो ये कि हमने क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए बट अब हमें एरर भी मिल गई मान लेते हैं कि हमें दस में से पांच क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो कि हमने सॉल्व नहीं कर पाए या मिस्टेकनली हमसे गलतियां हो गई तो हमें एक एरर लॉग बुक ज़रूर बनानी चाहिए और ये एरर लॉग बुक क्या है ये एरर लॉग बुक बेसिकली बात करती है कि आपकी जितनी मिस्टेक्स हुई हैं जहाँ जहाँ पर हुई हैं उनका एक संग्रह होता है उनका एक कलेक्शन होता है उनका एक लॉग होता है तो वो जो एक लॉग होती है वो जो एक डायरी होती है वो आपको बताती है कि पहले आप कौन सी मिस्टेक कर चुके हैं पहले आपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में कौन सी मिस्टेक करी है रीडिंग में कौन सी मिस्टेक्स करी है और यूपीएससी प्राइमरली एक नॉलेज बेस्ड एग्जामिनेशन है यानी कि नॉलेज जो है वो बेस आपका ब्रॉड होते रहना चाहिए विथ पैसेज ऑफ टाइम अगर आपका नॉलेज ब्रॉड होता जाएगा देन इट इज फेयर एनफ यह बहुत ही श्योर है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे अगर आपने ऐसी कोई अटेम्प्ट नहीं किया जो कि आपकी नॉलेज को जो कि आपके वास्ट वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को जो ना बढ़ा रही हो तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी एक एरर लॉग बुक या अपनी एक एरर डायरी जरूर बनाएं जिसमें कि आप अपने जितने भी गलत क्वेश्चन हुए हैं उनकी एंट्री करें एंड मेक श्योर कि जब वो आप एक महीने दो महीने के बाद जब आप उसे रिवाइज कर रहे हो तो आप अब वो गलतियाँ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे आप अपने लिए एक विक्ट्री का साइन लगा सकते हैं एक स्टार मार्क लगा सकते हैं कि अब मेरे से ये गलतियाँ नहीं हो रही हैं और इस तरीके से करते करते एक अच्छी अमाउंट ऑफ मिस्टेक्स एक अच्छी अमाउंट ऑफ uh, जो लो इन्फॉर्मेशन थी या जो वर्ड्स थे आपके कॉन्सेप्ट में वो आपको फिलअप होते नज़र आएंगे विद डैट लॉग बुक तो ये चीज़ आप बहुत ही ज़्यादा uh, uh, आपके लिए सुझाव हो सकता है कि बहुत ही अच्छा सुझाव हो सकता है कि आप इसको जरूर करें तो एरर लॉग बुक ये इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और अगर आप मुझसे यानी ऋषिकेश दुबे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ये यहाँ पर मैं अपनी सारी डिटेल्स शेयर करता रहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वॉट आई एम स्टडी रिसर्चिंग और डूइंग एंड इन इन स्टडीज एंड इन इन यूपीएससी और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो एच डी लैब कोड यूज कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच हैव अ गुड डे आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी समझ में भी आई होंगी बाय